गुड मॉर्निंग बच्चों, आई एम तेजपाल शर्मा फ्रॉम रियल इंटरनेशनल स्कूल। बच्चों आज हम एस्टिमेशन राउंडिंग ऑफ नंबर पढ़ने वाले हैं। एस्टिमेशन नियरेस्ट टेन, एस्टिमेशन नियरेस्ट हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, वन लैख, टेन लैख, ये कुछ भी हो सकता है। इसका प्रयोग किया जाता है अप्रॉक्सीमेट आंकड़े देने के लिए, अप्रॉक्सीमेट डेटा देने के लिए। जैसे कि हम कहते हैं कि हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू 2011 1.25 अरब। तो हम कह सकते हैं 125 करोड़। अगर वास्तविकता में देखा जाए तो क्या जनसंख्या वास्तविकता में 125 करोड़ फिक्स थी? नहीं, थोड़ा बहुत कम भी हो सकती है, थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो सकती है। तो हम कहते हैं अप्रोक्सीमेट 1.25 अरब हमारी देश की जनसंख्या थी। तो इसी को हम एस्टिमेशन कहते हैं कि किसी भी लार्ज नंबर को एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू देना, जैसे अकॉर्डिंग टू 10, अकॉर्डिंग टू 100, अकॉर्डिंग टू 1000, अकॉर्डिंग टू क्रोर, लैख, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम ये समझने के लिए सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे पास मान के चलो 23 और 28 कोई दो नंबर है जो कि 20 और 30 के बीच में है। तो हम देख रहे हैं कि 20 और 30 के बीच के हिस्से को हम दो बराबर भाग में बांट सकते हैं। आधे आधे हिस्से में जो 20 से 25 के बीच का जो हिस्सा कहलाता था ना फर्स्ट हाफ, फिर 25 फर्स्ट हाफ कहलाता है, और 25 से 30 के बीच का जो हिस्सा है वो हमारा सेकेंड हाफ कहलाता है। अगर हमारी कोई नंबर फर्स्ट हाफ में है और हम उसे एस्टिमेशन करना चाहते हैं उसका टेंथ के अकॉर्डिंग, तो हम कह सकते हैं कि वह 20 के नियरेस्ट है। तो हम 23 को क्या कहेंगे? अप्रोक्सीमेट 20। और 28 जो है वो नियरेस्ट है 30 के, ना कि 20 के। तो 28 को हम कहेंगे अप्रोक्सीमेट 30। बात करते हैं 25 को भी 30 के अकॉर्डिंग ही गिना जाएगा। अच्छा, इसकी एक अच्छी खासियत होती है कि फर्स्ट हाफ में अगर कोई नंबर है और टेंथ के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं तो फर्स्ट प्लेस की जगह पे हम 0 लिख देंगे और बाकी के जो नंबर दिए गए हैं उनको एज इट इज रखने देंगे। जैसे कि बाकी के नंबर 2 है हमारा, तो 2 को हम एज इट इज रखेंगे और ये कर देंगे 30। जैसे कि यहाँ पर हमें सब आगे बताएंगे। और अगर हमारी कोई नंबर 25 है यानी कि फर्स्ट प्लेस जो है वो हमारा 5 है, तो 5 है तो 5 होने पर हम क्या करेंगे कि इसकी जगह 0 लिख देंगे। 5 है या 5 से ज्यादा है तब भी हमें ये याद करना है कि 5 की जगह पर 0 और उससे पहले वाले डिजिट में हम 1 बढ़ाकर लिख देंगे। तो 25 की एस्टिमेशन क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगी। 5 की जगह 0 लिख दिया और उससे पहले वाले नंबर को हमने ये बढ़ाकर लिख दिया। तो 25 को नियरेस्ट हम क्या कहेंगे? 30। ऐसे 28 है, 1 की जगह हम 0 कर देंगे और उससे पहले वाले नंबर में हम 1 बढ़ाकर लिख देंगे। देखिए यहाँ पर दो पूछे लगे हैं जो कि आपके 10, 100, 1000, 10,000, 10, 1 सबके लिए काम आएगा। ये इफ वन प्लेस डिजिट इज लेस देन 5, अगर वन प्लेस डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट हम कह सकते हैं, 10 के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं तो हम यूनिट डिजिट कह सकते हैं। यूनिट डिजिट अगर हमारा 5 से छोटा है तो रिप्लेस वन प्लेस यानी कि उस डिजिट की जगह पे हम क्या करेंगे? 0, डिजिट का 0। एंड कीप अदर डिजिट्स एज दे आर, तो बाकी के जो डिजिट दिए गए उनको हम एज इट इज रहने देंगे। जैसे कि एग्जांपल देख रहे हैं हम कि 32,452 इसको हम एस्टिमेट करना है, तो हम की जगह पे क्या लिख देंगे? 0, और बाकी का जो नंबर है हमारा उसे एज इट इज लिखे रहने देंगे। सेकंड रूल आता है हमारा, इफ वन प्लेस डिजिट इज 5 और मोर देन 5, अगर वन प्लेस डिजिट हमारा 5 है या 5 से ज्यादा है तो हम इन थ्री टेन प्लेस यानी कि उससे पहले डिजिट में हम इन थ्री टेन प्लेस डिजिट बाई 1 यानी कि उससे पहले डिजिट में हम 1 इंक्रीज कर देंगे यानी बढ़ा देंगे, और रिप्लेस वन प्लेस डिजिट बाई
उस डिजिट मंथ प्लेस डिजिट की जगह पे हम जीरो लिख देंगे एंड कीप अदर डिजिट एज दे आर और बाकी के डिजिट हमारे रहते रहेंगे। देखिए यहां पर समझ सकते हैं इसे बेहतर तरीके से कि यहां पर जो है मंथ प्लेस डिजिट हमारा 5 दे रखा है तो इसकी जगह पे हमने जीरो लिख दिया और इससे पहले वाला जो डिजिट है उसे हमने 1 बढ़ा के लिख दिया, बाकी का नंबर हमारा एज इट इज रहेगा। सेम कंडीशन हमारी इसमें है कि 8 है, 8 की जगह पर हमने 0 लिख दिया और उससे पहले का डिजिट है हमने 1 बढ़ा के लिख दिया। यही हमारा एस्टीमेशन यानी कि राउंडिंग ऑफ नंबर्स नियरेस्ट टू 10 कहलाता है। अगर हम 100 की बात करें तो सेम हमारी कंडीशन यही रहेगी, थोड़ा सा अंतर आएगा जो मैं आपको रूल नहीं दिखा रहा हूँ, आप समझ जाएंगे, मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ और वो भी एक्सरसाइज में जैसे कि हमसे कहा गया है, मान के चलो हमें 100 के अकॉर्डिंग चलना है, तब मैं इसे बता देता हूँ, सब नोट कर सकते हैं इसे वीडियो पोस्ट करके। कि ये हमारा फाइव से ज्यादा है
जीरो लिख दी और बाकी के डिजिट भी जीरो कर दिए। ये 5 से ज्यादा है इसलिए फोर को क्या कर देंगे, ये बढ़ा के इंक्रीज करके लिख देंगे, तो ये हो गया हमारा 5 और 9 2। इस प्रकार से हमारा 1000 और इसी प्रकार से 10,000, इसी प्रकार से हमारा लैख सब कुछ इसी प्रकार से आगे बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए अब हम देखेंगे सम एंड डिफरेंस, इनके सम और डिफरेंस कैसे शॉर्ट आउट किए जाते हैं। इसमें एक क्वेश्चन एग्जांपल दे रहे हैं हम, सम एंड डिफरेंस। एग्जांपल वन, तो हमें देखना है, देखिए हमें 100 के अकॉर्डिंग निकालना है, तो 10 प्लस के लिए चलना हायर है, तो हम इसे देख सकते हैं 0 0 0 0 और यहाँ पे हम ये बढ़ा के लिख देंगे 9 2 7 3। नेक्स्ट ये रखा है 1 3 2 8 1 4 = 2। यहाँ पे देख रहे हैं हायर कम है, 0 0 नंबर ले लेते यानी कि 1 2 3 1 और हमने इसको जोड़ दिया। सम का मान 0 0 9 17 4 5 10 5 ये हमारा आंसर। और इसी प्रकार से हम माइनस भी कर देंगे, अगर हम माइनस करना चाहें डिफरेंस करना चाहें1.4 में फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में बता रहा हूँ अभी एक ही क्वेश्चन समझने वाला है। सबसे पहले जो लोग आ रहा है हमारी वो है स्टूडेंट सर हम शॉर्ट आउट कैसे करते हैं, ये हम पे आ गया तो फिर बाकी नॉर्मल जोड़ लगा लगा मार मारे रह जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 7 2 3 हम देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये 5 है तो 0 0 0 और ये हो गया हमारा
कह सकते हैं इंप्लाय 7000 2200 इज इक्वल टू नाउ 14 1 2 3 4 5 ये हमारा आंसर आ गया। कोसाइन देख रहे हैं, कोसाइन में हमें दे रखा है 7632280 डिवाइड 429 तो हम देख रहे हैं बच्चों। जैसे कि हम जानते हैं कि हम जिस मैथमेटिक्स का अध्ययन करते हैं स्टडी करते हैं वो हिंदू अरेबिक मैथमेटिक्स की स्टडी हम करते हैं, हिंदू अरेबिक लिपि में हम ये मैथमेटिक्स स्टडी करते हैं। अब होने को तो कई और भी लिपियां आएंगे पढ़ने की जिनमें एक रोमन नंबर भी है, रोमन नंबर। तो देखिए रोमन न्यूमरल्स और हिंदू अरबिक न्यूमरल्स में जो संबंध है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो वन को फर्स्ट कहते हैं, फाइव को हम वी कहते हैं, टेन को एक्स कहते हैं, और 50 को हम एल कहते हैं, 100 को हम सी कहते हैं, और 500 को हम डी कहते हैं, और 1000 को हम एम कहते हैं। एम को कैसे डिनोट करते हैं, 1000 से। तो इसे चेंज करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो देखिए हम रोमन न्यूमरल्स से हिंदू अरबिक न्यूमरल्स में चेंज करने के कुछ रूल्स बता रहे हैं आपको, जिनमें से पहले चार नियम है इसके। पहला है इफ ए सिंबल रिपीट इन ए न्यूमरल, यानी कि अगर रोमन लिपि में न्यूमरल का कोई सिंबल अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसका मतलब होता है कि उन सिंबल का जोड़ कर रहा है, जोड़ कर रहा है, यानी कि फर्स्ट फर्स्ट तो फर्स्ट को कहते हैं हम वन, तो वन प्लस वन इज इक्वल टू टू। यदि एक्स है, एक्स को हम कहते हैं टेन, तो हमारा टेन प्लस टेन प्लस टेन यानी कि कितना आ गया 30। पहला नियम तो ये है हमारा। दूसरा नियम कह रहा है कि स्मॉलर सिंबल इज रिटेनिंग टू द राइट ऑफ ए लार्ज सिंबल इट मींस एडिशन ऑफ ए स्मॉलर टू लार्ज सिंबल। तो इसका मतलब ये है कि v को 5 कह दिया, 1 को हम 1 फर्स्ट को हमने 1 कह दिया, 5 को कितने हो गए 6, c को हम 100 कहते हैं, इस c को भी 100 कहते हैं, यानी कि पहले लार्ज नंबर है उसके बाद हमारी स्मॉलर नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब हमको ये क्या करने हैं, तो इसको हम लार्जर न्यूमरल्स में से
सबट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं। जैसे कि हमने देखा फर्स्ट, और फर्स्ट हमारा काम लिखा हुआ है लार्जर फंक्शन से पहले लिखा हुआ है, तो लार्जर फंक्शन में से हम फर्स्ट को घटा देंगे, हमारे क्या आ गया नाइन। ऐसे ही डी एन जी का मतलब होता है फाइव है, और सी का मतलब होता है, तो डी से पहले हमारा फंक्शन लिखा हुआ है तो हम डी में से आ गया। बच्चों इसका फोर्थ नियम है, व्हेन ए स्मॉलर सिंबल इज प्लेस्ड बिटवीन टू लार्जर सिंबल, यानी कि अगर स्मॉलर सिंबल दो लार्जर सिंबल के बीच में आ जाए देन इट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर सिंबल इमीडिएटली फॉलोइंग इट। तो देखिए हम यहां पर देख रहे हैं कि ये स्मॉलर सिंबल है लार्जर सिंबल के बीच में आ रहा है, तो जो हमारा पहले जो लार्जर सिंबल आ रहा है उसके बाद तो हमको प्लस कराना है, लेकिन अब बचा हुआ यानी कि ये वाला जो पार्ट है कि अब यहाँ से सेक्शन बन रहा है हमारा कि स्मॉलर सिंबल फिर लार्जर सिंबल, तो हमको पुराने वाला रूल अपनाना है रूल नंबर थ्री के लार्जर में से स्मॉलर को घटा दीजिए, और इस वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे हमें केवल जोड़ करना है, तो टेन और ये हमारा आया नाइन, देखिए यहाँ पे एक सेक्शन ये बन गया एक सेक्शन ये बन गया, तो हमको एल तो हमारा 50 हो गया प्लस 10 यानी कि ये प्लस लग गया और फिर प्लस लगाना है, अब हमारा ये जो सेक्शन है इसे हम सॉल्व करके लिख देंगे कि ब्रैकेट में 5 माइनस 1 क्योंकि ये 5 है और ये स्मॉलर है, तो रूल नंबर 3 बाय रूल नंबर 3, तो 5 माइनस 1 4 और हमने ये जोड़ के लिख दिया 64। तो अब हमारी जो एक्सरसाइज 1.5 है इसमें कुछ भी नहीं बच रहा है, नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो नेचुरल और होल नंबर पे आधारित होगी। तो बच्चों एक्सरसाइज 1.5 को हम इसमें से बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, तो अगली वीडियो हम लेके आते हैं आपके लिए सेकंड चैप्टर की।